क्रिएटिव कॉमन को तो आप जानते ही हैं कि जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्रिएटिव कॉमन एक छलावा है, और क्रिएटिव कॉमन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। ख़ास तौर से वो चैनल्स जो म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, जो थर्ड पार्टी म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो दावा करती हैं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक देने का। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी वीडियो वहाँ पर रैंक करती है या आपके वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, तभी आपको एक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। सारी चीज़ें क्या हैं, क्या यूट्यूब को इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्या यूट्यूब को इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में करूँगा। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल पटनागर यूट्यूब चैनल। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के डेट में यूट्यूबर्स के साथ बहुत हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ऐसे म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको दिक्कत होती है। देखिए, फ्रॉड हो रहे हैं इस समय क्रिएटिव कॉमन में। फ्रॉड कैसे हो रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो आपको कहते हैं कि कॉपीराइट म्यूज़िक आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लिख भी देते हैं कि आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लिया आपने उसको इजीली इस्तेमाल किया, कुछ समय तक वो इस्तेमाल रहा, उसके बाद आपके पास एक कम्युनिटी की स्ट्राइक आती है, या कहूँ कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है, और वह आपसे शेयरिंग के लिए बोलते हैं। जब आप उस पर अप्लाई करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपने जो म्यूज़िक इस्तेमाल किया है वो हमारा प्रीमियम म्यूज़िक है, जबकि यूट्यूब पे वो कॉपीराइट क्लेम फ्री रखते हैं, यानी कि क्रिएटिव कॉमन रखते हैं। लेकिन जब वो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, तब वो आपसे कहते हैं कि भाई ये जो म्यूज़िक है ये हमारा प्रीमियम म्यूज़िक है, और आप इसको इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आपको मेंबरशिप हमसे लेनी होगी। ये वही बात होती है जो मैं पिछली वीडियोस में भी कई बार आपसे कह चुका हूँ कि क्रिएटिव कॉमन वीडियो अगर एक बार हो गई तो उसको स्टैंडर्डाइज लाइसेंस उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा लोगों के साथ हो रहा है। अब होता क्या है इस केसेस में कि आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका जो चैनल होता है वो उनके उस वीडियो पर बहुत सारे व्यूज़ आ रहे होते हैं, आपकी वायरल वीडियो होती है या नहीं भी होती है तो लोगों को लगता है कि यार हमारी वीडियो अच्छी बनी हुई है, धीरे धीरे वो ग्रो कर रही है, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना है और हमें इसकी मेंबरशिप लेते हैं। अब मेंबरशिप $150 लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास हो सकती है, कम भी हो सकती है, और वो एक साल के लिए होती है। आपने मेंबरशिप ले ली, आपने एक साल तक धड़ल्ले से उसका जो म्यूज़िक था वो आपने इस्तेमाल किया। मैं यहाँ यूट्यूब वाले गैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्रिएटिव कॉमन होने का दावा करते हैं लेकिन फ्रॉड करते हैं आपके साथ। अब एक साल के बाद आपने सोचा कि चलो मैंने अब इस्तेमाल कर ली, अब मैं जो है अब मैं इसकी मेंबरशिप को रिन्यू नहीं कर रहा। अब जैसे ही आपका डेट निकलता है रिन्यूअल का, आपको फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है कि आपने प्रीमियम कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लाइफ लॉन्ग उसके मेंबर बने रहेंगे, आप उनको पेट उनका भरते रहेंगे, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपकी अर्निंग उनके साथ शेयर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस समय क्रिएटिव कॉमन के साथ देखने को मिल रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप म्यूज़िक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप यूट्यूब की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, या उन प्रीमियम वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें जो आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं। और देखिए ऐसी वेबसाइट्स को कि आपको सिर्फ एक ही बार पैसा देना पड़े। मान लीजिए आपने 15,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, तो वो लाइफ टाइम के लिए होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने हर साल आप उसे रिन्यूअल कराएं, या रिन्यूअल की कॉस्ट है अगर तो वो नॉर्मल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो फ्रॉड हो रहा है वो यूट्यूब के साथ, वो ये हो रहा है यूट्यूब में हो रहा है सॉरी वो ये हो रहा है कि जब हम लोग कैमटीशिया, स्काई मास्टर या इनशॉट या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो फ्री के म्यूज़िक ट्रैक्स हमें मिलते हैं, और अगर वो आपका क्रैक्ड वर्जन है, तब आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है मेन कंपनी से। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, मेन कंपनी से। अगर आपके पास वो लाइसेंसी वर्जन है तो उस केस में आपको स्ट्राइक नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास वो क्रैक्ड वर्जन है और आपने फिल्मोरा, काइन मास्टर, कैमटीशिया, इनशॉट, वीएन एडिटर या कोई सा भी पावर डायरेक्टर किसी का भी आपने इस्तेमाल किया है और उनको पता चल गया है कि वह आपने उसका क्रैक्ड वर्जन इस्तेमाल कर रखा है, उस केस में आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक म्यूज़िक के ऊपर आ सकती है।
ये बहुत ध्यान रखिएगा। और जब आपके पास आएगी तो आपको वह सॉफ्टवेयर ही खरीदना पड़ जाएगा, उसकी कॉस्टिंग आपको देनी पड़ जाएगी। ये अब आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। अब कई सारे मेरे फॉरेन में फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि 90% लोग जो होते हैं खरीदते तो हैं नहीं, करेक्ट वर्जन कर लेते हैं। या अगर आप डेमो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने करेक्ट वर्जन इस्तेमाल किया है तब आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आप यूट्यूब की लाइब्रेरी की जो म्यूज़िक डायरेक्टरी है उसका इस्तेमाल करें, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। या फिर ट्रस्टेड यूट्यूब के जो म्यूज़िक के चैनल्स हैं, जैसे NCS म्यूज़िक चैनल है और भी बहुत सारे हैं, उनका आप इस्तेमाल करिए, जहाँ से आपको लगता है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। तो ये दो फ्रॉड हैं इस समय चल रहे हैं, बल्कि दूसरा तो फ्रॉड नहीं कहूँगा, दूसरा तो ये कहूँगा कि भाई अगर आप किसी का करेक्ट वर्जन इस्तेमाल करोगे तो वह आपको यहाँ पर स्ट्राइक देने का हकदार है। तो ये दो चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पर, ध्यान रखिए इस चीज़ को, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, कोई दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया और कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।